हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब कल आप देख रहे हो गए यूट्यूब पे ना सी थोड़ा हाई हो रहा है बट व्यूअरशिप वही आपकी है तो आपको लग रहा हो यार इंप्रेशन तो जा रहा है कहीं ना कहीं सारी चीजों में कंटेंट में है ना या एंगेजमेंट में इसमें प्रॉब्लम है थोड़ा इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं तो जो लोग नए हैं सी के बारे में थोड़ा उनको एक बार गाइड कर दूं कि सी का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट क्लिक है क्या है. क्या सिंपली समझिए जो होती हैं डेस्कटॉप की बात कर लू इस होम स्क्रीन पर आपको बहुत सारी वीडियोज ऐसे फ्लैश होती हैं जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो. तो जब यूजर स्क्रॉल करता है स्क्रॉलिंग के दौरान मोबाइल में आपकी वीडियो वहां से गुजरी और उसने क्लिक नहीं किया तो उसको इंप्रेशंस कहते हैं करेक्ट अब उनमें से जितने लोगों ने क्लिक किया उसको कहते हैं वहां पे क्लिक थ्रू रेट निकल जाता है उससे तो सिंपली समझिए मान लीजिए अगर किसी पे एक लाख इंप्रेशंस आए और लोगों ने कितने लोगों ने क्लिक किया दस हजार लोगों ने दस हजार लोगों ने क्लिक किया तो इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज में निकालने के लिए आप देखिए कि कितना हो गया दस हजार डिवाइडेड बाई एक लाख इंटू हंड्रेड तो चार जीरो ऊपर कट गए चार जीरो नीचे कट गया एक जीरो से ये कट गया यानी कि निकला आपका दस प्रतिशत ऐसे ही या किसी का छह रहता है किसी का सिक्स रहता है तो आप सिंपली समझिए कि जितने भी लाइक इंप्रेशन गए हैं उससे और जितने लोगों ने क्लिक किए हैं उसको ऊपर इंटू परसेंटेज में निकालना है डिग्री में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा थ्री से कुछ लोगों के सर से से निकल गई है बट जाने दिए साहब मैथमेटिक्स की पढ़ाई थोड़ी है ये, अपनी यूट्यूब की जर्नी है इसको समझते हैं अलग लेवल से तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी क्लिक थ्रू रेट अब ये सबसे मेन जो पंगा है वो है किससे ये समझते हैं पहला है

ज्यादा होने से ड्रॉप आउट ज्यादा होंगे तुरंत यूजर भाग के चला जाएगा भाग के चला जाएगा आपके चैनल से अब यूट्यूब को क्या लगेगा कि इसका जो सारा गेम है क्लिक थ्रू रेट वाला कौन सा वाला क्लिकेबल थंबनेल वाला अब इस सिचुएशंस में यूट्यूब आपकी वीडियो को रिकमेंडेशन में धीरे 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 कम कर देगा इसलिए आपने देखा होगा जो जितने लोग गूगल एड्स के थ्रू अपनी वीडियोस को प्रमोट करते हैं उनपे सी टी सबसे ज्यादा हाई होता है मैं डेली के दस दस हजार रुपए पाँच पाँच हजार के अपने क्लाइंट्स के एड चलाता हूँ अपने गूगल्स एक एड अकाउंट से कई बार मैंने दिखाया भी है और चलाता हूँ जहां पे मुझे साफ दिखता है कि सी हाई होता है बिकॉज जस्ट बिकॉज गूगल ज्यादातर लोगों को इंप्रेशन देता है उस चीज का और लोग उस पर क्लिक करते हैं तो मोर ओवर आपको कॉन्टेंट अच्छा बनाना है एंगेजमेंट अच्छा रखना है बेनिफिट देने अब ये चीज़ है क्या इसको डिटेल में अगर थोड़ा समझ ले कि सर डिटेल थोड़ा समझाइए ना कॉन्टेंट इंगेजमेंट के बारे में देखिए सबसे पहली चीज आपने थोड़ा अगर मैं डिटेल वाइज समझाऊं तो आप ये देखिए आप यूजर को क्या बेनिफिट दे रहे हो यार कोई यूजर

बात वो नहीं है मेरे भाई यूजर वेट किसी के लिए नहीं करता कोई ब्लॉगर वीडियो यूजर वेट करेगा जो डेली वीडियो डाल रहा है यहाँ तो हम बड़े बड़े स्टार को चार दिन देख ले पांचवे दिन देखने नहीं जाते और यहाँ यूट्यूबर डेली वीडियो डाल देख रहे गलत सोच है आपकी कोई किसी के लिए वेट नहीं करता जस्ट बिकॉज ऑफ लोग क्या है अभी भारत में लोग बहुत परेशान है जॉब से आए शाम को थके हुए आ रहे इवनिंग में आए उनको कुछ चाहिए चटमटा इंगेजिंग कुछ एंटरटेनमेंट देखने के लिए पता है कि एक दो चैनल एंगेजमेंट देते हैं आए उनके चैनल पर वीडियो फटाक से देख लिया तो एक रेशियो सा बन जाता है और अगर उनकी वीडियो में इंगेजमेंट है इंटरटेनमेंट है ब्लॉग में पचास साठ लोग हमेशा सा व्लॉग राउंड लाइक रोटेशन में चल रहे हैं कभी किससे मिल रहा है कभी किससे मिल रहा है, किस है तो मजा आता है हर एक की लाइफ में घुसना पसंद है तो मैं व्लॉगिंग कॉन्टेंट को दूर करके थोड़ा सा लर्निंग कॉन्टेंट पे आता हूं कि लर्निंग कॉन्टेंट पे सिंपल आपको यह ध्यान रखना है कि इस आठ मिनट में आपने कितने जगह पे कितने जगह पे लोगों को लर्निंग्स वाली वैल्यूज दी हैं कितने जगह पे लर्निंग वाली वैल्यू दी है जितना आप लर्निंग की वैल्यूज देंगे उतना ही मेन सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और यही चीज आप समझ पाएंगे तो कि बेनिफिट्स, बेनिफिट्स देना पड़ेगा आपको लोगों को हर हर पे जितना आप बेनिफिट्स देंगे लोगों का उतना ही बढ़ेगा तो बेनिफिट्स जो है वो से, अपना connected है वो से अपना जितना बेनिफिट दो, दो वो इंगेज आपके चैनल पे रहेगा तो ये दो चीज अगर कॉम्बिनेशन आपने बना ली एंगेजमेंट का और बेनिफिट्स का तो कंटेंट आपका जो कहते हैं ना कंटेंट की कहावत है कि किंग बन गया आपका कंटेंट तो ये कंटेंट आपका किंग बन गया फिर थंबनेल आप अगर चटमटा सा खराब सा बेकार सा नॉर्मल पिक्चर अपनी फोटो लगा के बस एक लाइन लिख दो तब भी कंटेंट चल जाता है जो आप देखते हो नॉर्मली लोग देखते हो कि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स है वो ज्यादा क्लिक थ्रू रेट वाले चक्करों में नहीं पड़ते अपनी थंबनेल बनाई अपना टॉपिक लिखा और काम किया आगे बढ़ना शुरू कर गए मैं सीधा आपको लेके चलता हूं यूट्यूब एक मेरा एक चैनल है आप देखे मुंबई कर निखिल मैंने एक्चुअली खोला नहीं था पर रैंडम मुझे दिख गया तो इसी पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ आ जाइए सब इनकी वीडियोस को देख लेते हैं चलिए अब देखिए अभी मुंबईकर निखिल ने वीडियो डाली कि ऑडी क्यू सेवन का कुछ टोकन आ गया लाइक आ गया इन लिखा होगा और मोम ने लगाई डांट इनके मोम यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से में कुछ यहाँ पे डांट लगा दिया होगा बिटवीन द वीडियोस ज्यादा कुछ नहीं है वीडियो का एक स्क्रीनशॉट है जो उन्होंने वीडियोस बनाई होगी उसका एक स्क्रीनशॉट उन्होंने थंबनेल पे लगा दिया इनफैक्ट ऑटो डिफॉल्ट में तीन थंबनेल्स आते हैं आपको पता है उसमें से कोई एक चीज उन्होंने लगा दी होगी अब आप देखिए आठ घंटे में ढाई लाख व्यूज है आप बोलेंगे कि यार सचुरेशन इनके चैनल पर भी काफी आया है बहुत से लोग हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द बहुत सारे ब्लॉगर्स भी तो हो गए यार लोगों के देखने का सेंटिमेंट चेंज हो गया बहुत से लोग कोर निश वाले लोग होते हैं जो सोलो रहते हैं क्योंकि मुंबई कर निखिल ने ज्यादातर अपने आप को रिप्रेजेंट किया है वीडियोज में फैमिली को बहुत कम किया था शुरू में धीरे-धीरे फैमिली आई तो फैमिली रिलेटेड कंटेंट लोग और अलग थे वो और देखने लग गए जो सोलो वाले थे थोड़े कहीं और चले गए है ना तो ये देखिए आप इस वीडियोस को थोड़ा सा और मैं आपको और क्रिएटर्स के आगे लेके चलूं अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ही अपने ही चैनल पे जो मेरा महात्मा जी है हम इसमें थंबनेल भर-भर के लिखते हैं टेक्स्टिंग पे तो मुझे अभी जो है आ, क्लास uh, प्लस के थ्रू मुझे स्किलिंग इंडिया अवार्ड मिला मैंने क्या किया मैंने अपनी एक पिक्चर लगाई जहां पे मैंने एक अवार्ड दिखाया हमारे एक ही सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझे बताया कि सर मैं आपकी वीडियोस को तकरीबन वी क्रिएटर चैनल को साल भर से देख रहा हूं और यहां से मैंने सीख सीख के अपना यूट्यूब चैनल बनाया हम दो तीन लोग काम करते हैं और हम दस लाख रुपए महीना एजुकेशन से उससे कमा रहे हैं कोर्स सेलिंग करके डिजिटल को लाइक प्रोडक्ट सेल करके और ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे बगल में एक और सज्जन खड़े थे उन्होंने भी कमाया जो वीडियो में बोला उन्होंने हमने यहां पे लिखा

उसके रीच वाले सेक्शन में आता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इंप्रेशन तेईस है सी टी आर जो इसका वो एट पॉइंट थ्री है और व्यूअरशिप साढ़े छह हजार है तो कई बार लाइक सिर्फ जो क्लिकेबल सी टी आर का रोल होता है उससे आप एग्जैक्ट मत जोड़िए जैसे अगर आप सोचेंगे अरे साढ़े आठ परसेंट साढ़े छह हजार कैसे हो गया तो इसका दो तीन चीजों से ये मैटर करता है जैसे मान लीजिए व्यूअरशिप कहा से आती है तो आप जाके वीडियो देखेंगे तो ब्राउजिंग फीचर से आता है सर्च हिस्ट्री से आता है तो जो सर्च हिस्ट्री वाला है वो क्लिक थ्रू रेट में इंक्लूड नहीं होगा तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिससे सी टी आर कैलकुलेट होता है बट आपको समझना सिर्फ इतना था कि मैं जो है अपने चैनल पे काम करूं तो मुझे इन सब चीजों पे काम करना है जो मैंने आपको यहां मेंशन किया कि हमें अपने चैनल्स पे अच्छे से बेनिफिट्स देने हैं लोगों को जिससे मेरा कंटेंट इंगेजिंग बने और कंटेंट जो मेरा बन जाए वो बने किंग और थंबनेल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट नहीं करता सीटीआर का उतना महत्व तो नहीं होता आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि आज के टाइम पे सीटीआर बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज पेंट्रेशन बढ़ रहा है यूट्यूब लोगों को थोड़ा बूस्ट भी कर रहा है कई नई चैनलों को जिस वजह से लोग जहां तहां जा रहे हैं और क्रिएटर्स उस वीडियोज को देख रहे हैं कई बार मान लीजिए शॉर्ट्स आ गया है शॉर्ट्स लोग देख रहे हैं उस बीच में कोई और वीडियो आ गया उस पर क्लिक कर दिया तो ये सारी चीजें हैं आई आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा बट और भी डिटेल वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स पे लेके आऊंगा और इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बैन जरूर ऑन करिए मैं ऐसे ही इंगेजिंग टॉपिक्स आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँगा धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत